हमारे बाहरी रिश्ते जो है वो रिश्ते हमारे अंदर के रिश्ते हमारे खुद के साथ में कैसे हैं, उसके तालमेल करते मेलजोल करते हैं, उसमें तालमेल में बैठते हैं, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। समझो मेरा रिश्ता मेरे से ऐसा है कि मैं मेरे ऊपर प्यार नहीं करता हूँ या मेरी खुद की फिक्र नहीं करता हूँ। मैं मेरे ऊपर प्यार नहीं कर रहा हूँ और मेरी खुद की फिक्र नहीं कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा? मैं बाहर से प्यार या मेरी फिक्र कोई करेगा क्या? कोई मुझे अच्छा बोलेगा क्या? कोई मुझे प्यार करेगा क्या? ऐसा ढूंढते जाऊंगा, क्योंकि मेरा मेरे ऊपर प्यार नहीं, फिर मुझे प्यार कहाँ से? तभी बाहर से लाना है तो मैं वो लोग ढूंढते जाऊंगा और उसके लिए फिर मैं तरसते जाऊंगा कि मुझे अच्छा बोले, कोई मेरे ऊपर प्यार करे, कोई कुछ अच्छा अप्रिशिएट करे, कोई एक्नॉलेज करे। यदि मैं खुद के ऊपर प्यार नहीं करता तो, यदि मैं मेरी खुद की कीमत नहीं करता, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही फालतू आदमी हूँ, मुझे कोई कीमत नहीं है, मेरा तो ऐसी ही इच्छा है, समझो मैं मेरी कीमत नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा? मैं बाहर अचीवमेंट करते जाऊँगा कि लोगों ने मुझे इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कोई बड़ा डिग्री लेना, कोई बड़ा काम करना, और उसके लिए दौड़ूंगा दौड़ूंगा दौड़ूंगा, क्योंकि फिर लोग मुझे इम्पोर्टेंस देंगे। मेरे पास पैसा आना चाहिए, मैंने बड़ी डिग्री लेना चाहिए, मैंने पोस्ट लेना चाहिए, क्योंकि वो अचीव मैं करूँगा तो लोग मुझे इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि मैं खुद को इम्पोर्टेंस देता नहीं हूँ, फिर मेरे को बाहर से लाना पड़ेगा इम्पोर्टेंस। देखिए यदि मुझे अंदर से पावरलेस लग रहा है, शक्तिहीन लग रहा है, तो फिर क्या होगा? यदि मुझे अंदर से मुझे लगता है कि मैं पावरलेस हूँ, शक्तिहीन हूँ, तो फिर मैं लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, मेरी पावर बाहर निकालने की कोशिश। मैं लोगों को ऐसा पावरफुली पकड़ सकता हूँ, लोग पावरफुल लोग जो होंगे उसके जैसा मैं कैसा हो जाऊंगा, और मैं लोगों को कंट्रोल करने की ढूंढूंगा और लोगों के ऊपर हावी होने की कोशिश करूंगा। और जहां मुझे ऐसा दिख रहा है कि नहीं लोग हावी हो रहे, तो फिर उनको अवॉइड करते जाऊंगा। तो डोमिनेट करूंगा या अवॉइड डोमिनेशन होगा। यदि मैं खुद को अंदर से पावरलेस, मतलब हमारे अंदर की जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप सब बाहर दिखाई देती है ना? बाहर जो बहुत ही शान शो कर रहा है, गोल्डन चेन्स हाथ में है, अंगूठियां हैं, और बड़ा शान, लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, बड़ा बताना चाहिए। अरे बाहर बताने की क्या जरूरत है? यदि आप बड़े हैं तो बताना पड़ता है क्या? यदि आप पुरुष है तो आपको बोलना पड़ता है मैं पुरुष हूं, बोलना पड़ता है नहीं ना? यदि आप बार बार बोले कि मैं पुरुष हूं, मैं मेल हूं, मैं पुरुष हूं, इसका मतलब अंदर कुछ तो भी गड़बड़ चालू है, इसलिए बाहर आपको बताना पड़ रहा है कि मैं पुरुष हूं। और जो पुरुष है उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं पुरुष हूं करके, जो पक्का ही है। तो जो अंदर नहीं है वो बाहर बताना पड़ता है। यदि मैं अंदर मुझे शांति नहीं है, सुख शांति नहीं है, तो फिर क्या होता है? बाहर मैं शांति ढूंढूंगा या फिर उल्टा एकदम बाहर बहुत झंझट झगड़ा करूंगा, क्योंकि अंदर अशांति है, शांति नहीं है, तो बाहर भी मैं अशांति पैदा करूंगा। तो जो मेरी रिलेशनशिप, जो मेरा रिश्ता अंदर मेरे साथ में है, तो वो बाहर दिखाई देगा। यदि मैं मेरे साथ में बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, मेरा रिश्ता मेरे से अच्छा है, मैं खुद को अच्छा समझता हूँ, खुद को इम्पोर्टेंस देता हूँ, मेरे ऊपर प्यार करता हूँ, तो फिर लोगों के साथ में भी मेरे रिश्ते अच्छे रहेंगे। यदि आप खुद को अच्छा समझते हैं, अपने बारे में अच्छा अनुभव है, तो नेचुरली लोगों के साथ में भी आपका अनुभव जो है वो अच्छा रहेगा। तो फिर क्या है करना? क्या है? अपने थॉट्स जो है वो बाहर की रियलिटी पैदा करते हैं, और इसलिए हमको थॉट्स बदलने की ज़रूरत है। जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, लाइफ के ऊपर विश्वास, मेरे खुद के ऊपर विश्वास, जिसके भी ऊपर आप जो भी विश्वास कर रहे हैं वो सच्चाई हो जाती है, नंबर दो का उसूल। नंबर तीन, जहाँ भी हमको काम करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, एक ही जगह है इम्प्रूवमेंट करने की, वो लोग नहीं है, ये बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं ना, एक ही जगह है इम्प्रूवमेंट करने की, वो है मैं खुद। वही मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, मैं अंदर से इम्प्रूवमेंट करूँगा, नेचुरली बाहर अपने आप वो दिखेगा। आप अंदर से शांत हैं तो बाहर से शांत रहेंगे, अंदर से धूमधाम चलो तो बाहर भी धूमधाम ही करते हुए आप दिखेंगे। तो यह खुद का रिलेशनशिप जो बदलना चाहिए, और वो बदलेगा, अपने विचार बदलो और आपका विश्वास, बिलीफ जो है वो बदलना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे
वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।